क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 से आसान क्वेश्चन तो शायद ढूंढने से भी ना मिले अपने को। देखो भाई, ये रिएक्शन देख लो पहले, क्या हो रहा है यहाँ पर। एक थोरियम का एटम है, न्यूक्लियस है, वो डिके हो जा रहा है। अब ये पीबी मतलब शायद लेड होता है, मतलब मेरे को श्योर नहीं है, देख लेना। और एन अल्फा नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल है, और एन बीटा इज द नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल, और वो भी कौन सा बीटा पार्टिकल, बीटा नेगेटिव पार्टिकल। ठीक है भाई, तो बताना है कि एन ए और एन बी की वैल्यू क्या है। तो देखो भाई, अब ये थोरियम देखो, यहां पर कितना है, 232 का मास है, यहां पर कितना है, 212 का मास है। अब इसका तो मास 0 होता है, बीटा पार्टिकल का कोई मास नहीं होता है ना। तो 232 212 कितना का डिफरेंस है भाई, 20 का डिफरेंस है। तो यहां पर टोटल कितना मास होना चाहिए, 20 होना चाहिए। अब एक हीलियम का मास है 4, तो एन ए कितना होना चाहिए, 5। 5 इंटू क्या, 4 क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो जैसे ही मेरे को पता चल गया कि एन ए की वैल्यू 5 है, इसको मिटा देता हूँ। ठीक, एन ए की वैल्यू तो 5 आ गई भाई, ये तो सही हो गया। अब एन बी की वैल्यू देखनी है, एन बीटा, एन अल्फा और एन बीटा है ना। तो अब क्या करेंगे, चार्ज को बैलेंस करेंगे। देखो यहाँ 90 है, यहाँ 82 है, कितने का डिफरेंस हुआ, 8 का। ये कितना है, 2 × 5 कितना हो गया, 10 हो गया भाई। तो 10 और 82 कितना होता है, 92, 92। जबकि यहाँ पर कितना आ रहा है, केवल 90 आ रहा है, यहाँ पर 92 आ गया। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, -2 होना चाहिए। -2 होने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, एन बी को 2 बनाना पड़ेगा। आ गया आंसर, एन बीटा इज इक्वल टू 2। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन।